कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, कवर ड्राइव ऐसी ऐसी मारो कि आपकी कवर ड्राइव की एग्जांपल ना स्कूल बुक में भी पढ़ाई जाए। बेन स्टोक्स एक नाम है, एबी डिविलियर एक नाम है, एमएस धोनी एक नाम है, कोहली एक नाम है, ठीक है ना। ये आपके जिम्बाबर जुम्बूबर जो है ये जिम्बाब्वे के खिलाफ थोड़ा बहुत चल के, तक विराट कोहली जिंदा है ना तक तक बाबर जगह नहीं ले सकता विराट कोहली की। ऐसे ही कहते हैं, इनको डूब मरना चाहिए। विराट बड़ा प्लेयर है बिल्कुल, इंडिया दूसरी दफा वर्ल्ड कप में फाइनल जीता है पाकिस्तान से, इनको डूब बनना चाहिए पाकिस्तान को। मैंने कहा लितर लगने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार क्रिकेट तो आप देखते होंगे, अगर हम कंपैरिजन करें दो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन का, बाबर या विराट, दोनों में से कवर ड्राइव किसकी अच्छी है? बाबर आजम की। फिर आप? विराट। विराट कोहली। विराट। आप? बाबर आजम। बाबर विराट। दोनों में से कवर ड्राइव किसकी ज्यादा बेहतर लगती है आपको? ओ हो, टफ वन यार। अगर मैं विराट कोहली की तरफ से जाऊंगा तो बाबर आजम की इंसल्ट हो जाएगी, अगर मैं बाबर आजम की तरफ से जाऊंगा तो विराट कोहली की इंसल्ट हो जाएगी। यार आपने मुझे पजल कर दिया यार, एक सेकंड मुझे जरा सोचने दो। सोच लो यार किसकी होनी चाहिए। यार देखे ना, दोनों की कवर ड्राइव के अंदर ना जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल के अंदर बताऊंगा ताकि ना थोड़ी वाम को भी पता चल जाए। अब ये देखिए, जब बाबर आजम कवर ड्राइव मारता है ना, बाबर आजम का हेड स्टिल होता है, आपने गौर किया होगा। बाबर क्या करता है, बस आगे होकर ना बल्ला लगाता है, ये बल्ला बस उसका बल्ला लगता है। विराट कोहली ना पूरे फ्लिप के साथ इस तरह करता है, उसका ना पूरा एक हिसाब का ना उसका हैंड स्टिल नहीं होता, उसका पैर भी मूवमेंट की भी चेंज होती रहती है, लेकिन बाबर की चेंज नहीं होती। बाबर आजम की आपको क्यों अच्छी लगी? वैसे वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर शायद ना आए और ना आया है पहले। बिल्कुल ऐसे सही है। तो विराट कोहली की अपनी क्लास है और बाबर की अपनी है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता बाबर के पास सिर्फ कवर ड्राइव है, अगर मुकम्मल प्लेयर देखा जाए तो वो विराट कोहली है? नहीं नहीं, बाबर भी मुकम्मल प्लेयर है। अच्छा, 6 बॉलों में 15 स्कोर चाहिए तो बाबर चेज कर लेगा? कर लेगा। किया तो नहीं है अभी तक किसी भी मैच के अंदर? बहुत ज्यादा है। नोट ये एज अ क्रिकेट फैन बात करें, आप अगर आप कहेंगे हम पाकिस्तानी है फलां टीम का ना, फिर तो हम कहेंगे भाई बाबर ही दुनिया का नंबर वन प्लेयर है। बात सुनिए, बाबर आजम का बताएं भी वो कौन से मैच में आखिरी ओवर तक बैटिंग कर रहा था और 15 स्कोर रह रहा था, आप बता दें। नहीं बाबर तो ओपनर आता है, ओपनर आता ना, उसका काम ही नहीं है वो। सही है, वही आपको मैंने पूछा है। आप बता दें मुझे, बाबर आजम का कोई ऐसा मैच हो आखिरी ओवर में 15 स्कोर रहता और बाबर बैटिंग कर रहा? नहीं, पर विराट कोहली करता रहता। नहीं, आपने सवाल आपके मैं आपने सर, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, विराट कोहली एंड तक खड़ा रहा, बाबर 8 पे 28 स्कोर कर सकते हैं जो विराट ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ। कर सकता है बाबर, कर सकते हैं। उसने पीएसएल में किया भी हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ आखिरी ओवर में। मुझे मिल गया, एक बाबर कह रहा है, विराट कह रहा है। आपको बाबर क्यों पसंद है? मुझे बाबर इसलिए पसंद है ताकि उनकी बहुत अच्छी है फील्डिंग, उसने बहुत स्ट्रगल किया इसलिए मुझे अच्छी लगती है। विराट क्यों क्यों पसंद कर रहे हैं? विराट की अगर मैं एक बात बताऊं तो मुझे उसकी लुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं। लाइक वो एक बहुत ही अच्छा मॉडल भी बन सकता है और दूसरा उसकी मींस के क्रिकेट भी वो काफी अच्छा खेल लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वाकई उसके आप लुक्स है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लें, लाइफस्टाइल चेक कर लें उसका, भाई एक पोस्ट लगाने का 50 करोड़ का ले लेता है वो। ऐसी और साथ में अनुष्का शर्मा उसकी वाइफ है, वो तो क्या ही बात होगी। यार देखिए, विराट का मुकाबला नहीं बन सकता ना, मुझे लग रहा है मौजूदा दौर के अंदर। मैं बीइंग का यहाँ पे मैंने बहुत से लड़कों का लाइक इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं जब तक विराट कोहली जिंदा है ना तक तक बाबर जगह नहीं ले सकता विराट कोहली की। ऐसे ही कहते हैं। बाबर खड़े खड़े बस अपना बल्ला हिलाता है साथ, ये बहुत बड़ा फ्लिक पड़ता है। इवन के मैं नहीं कह रहा, नासिर हुसैन आपको भी पता ही है, पूरे इंग्लैंड का फॉर्मर क्रिकेटर इतना बड़ा लेजेंड है, उसने भी ऑन कैमरा कहा था कि यार अगर कवर ड्राइव चूज करनी हो तो सॉरी इंडियन फैंस, आई विल गो फॉर बाबर आजम। तो यार जब इतने बड़े लेजेंड ने कह दिया कि यार बाबर आजम की कवर ड्राइव, तो यार मैं क्या कह सकता हूँ। बाबर की कवर ड्राइव और विराट का पूरा प्लेयर है, ये फर्क है दोनों में। सर मैं अब आपको इतना बताता हूँ, मैं आपको सही साहब बताता हूँ, विराट कोहली के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है बाबर आजम से, हम इसलिए कहते हैं विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। नो डाउट विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप ये देखें कितने कम टाइम में बाबर आजम ने अपना नाम मशहूर किया विराट कोहली के साथ। किसी को उम्मीद थी कि यार इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली के साथ एक बॉल पिकर का कंपेयर किया जाएगा, किसी को उम्मीद थी? नहीं ना थी। तो यार ये देखना बाबर आजम ने अपना नाम किस तरह का बनाया, बाबर आजम की कवर ड्राइव मैं जब तक नहीं ना देखता मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। मैं डिप्रेशन में होता हूँ ना, मैं विराट कोहली की कवर ड्राइव देख लेता हूँ और विराट कोहली का हारिस रो वाला छक्का देख लेता हूँ। ओए होए 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 यार, जो उसे कमेंट्री के अंदर उसने कह दिया था ना कि कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड,
इसमें ही पैसे पूरे थे यार। कवर ड्राइव ना, कवर ड्राइव तो मैं कहता हूँ भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा से अच्छी तो कुमार संगकारा की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप ये भी बात कर रहे हैं ना कि हु हैज द बेस्ट कवर ड्राइव, भाई मेरी तरफ से तो विराट रोहित को छोड़ के पूरी अगर क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें कवर ड्राइव कौन मारता हुआ बेस्ट नजर आया? मैं बताया तो है कुमार संगकारा, उसके उसके उसकी आप कवर ड्राइव देखे वो भाई पूरी बॉडी लाता है, पूरी बॉडी ऊपर लेकर आके करता है, विराट कोहली ना बस फ्लिप करता है, फ्लिप वो जिसका हाथ की फ्लिक है ना वो से पुल शॉट के अंदर भी करनी है, हुक में भी करनी है, कवर ड्राइव में भी करना है, ऑफ ड्राइव में भी करना है, स्ट्रेट ड्राइव में भी करना है, उसकी ना कलाई बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो कह के कलाई अपनी यूज करता है। मसला ये है अब बाबर का ये है, अब आपने 2019 का वर्ल्ड कप देखा होगा, ओए होए 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 वो कवर ड्राइव, मैं एक रील देख रहा था उसके ऊपर आया होता कि कवर ड्राइव ऐसी ऐसी मारो कि आपकी कवर ड्राइव की एग्जांपल ना स्कूल बुक में भी पढ़ाई जाए। और बाकी जो उसने पैट किम्स को मारी थी उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को मारी थी यार, बाकी यार ट्रेंट बोल्ट को ऑन जो करता है ना, नहीं विराट कोहली को जो ऑन करता है ना वो ट्रेंट बोल्ट है, और जो फकर जमान जिसको ऑन करता है ना वो न्यूजीलैंड है। अब यहाँ से फर्क पड़ता है यार, नो डाउट विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर बट ही डजंट हैव द बेस्ट कवर ड्राइव। सो अगर एंड के अंदर मैं यही कहूंगा कि इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट कवर ड्राइव हु हैज द बेस्ट कवर ड्राइव, आई गो फॉर बाबर आजम। लेकिन अगर बाबर आ जाए अपने जोश में तो फिर तो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ सकते हैं आप। अगर बाबर के पिछले मैच देखें तो वो तो अब किस्मत ही मारी गई, सेमीफाइनल से बाहर थोड़ा सा हो गए थे, वैसे उन्होंने मैच बहुत अच्छा खेला था, मैंने उनके मैच देखे, लेकिन अब आगे मैच से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन आशा था इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे। इंटरेस्ट इसीलिए तो नहीं खत्म हुआ कि हम जीत ही नहीं पा रहे हैं इंडिया से, यही बात समझे आप, इसलिए हो रहा है हमारा भी। मैं इसीलिए विराट की तरफ ही हूँ, विराट को सपोर्ट करते हैं, स्कोर तो कर लेता है, अपने फैंस का दिल रख लेता है वो, ऐसे ही है। क्या मैसेज देंगे आप एनपी विराट को? यही कि कीप वर्किंग, अच्छा काम करता है और ऐसे ही अपनी स्ट्रगल को जारी रखे, जारी रखो, चैंपियन ट्रॉफी खेले, पाकिस्तान जरूर आओ ये भी कह दो। जरूर होगा, जरूर आओ यार, जरूर आप भी कह दो यार, चैंपियन ट्रॉफी खेले विराट, लाजमी आना, इंशाल्लाह जरूर आए विराट भैया, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह मैच देखेंगे आपका। ये भी तो पाकिस्तानी है ना, ये कह रहे बाबरी में वो क्वालिटी नहीं है यार, कहीं बिल्कुल ये सच बात है, उसने कोई मैच भी पाकिस्तान को नहीं जिताया, इतना मैच जो ये देखे क्यों अब चुप क्यों कर गए? मैंने आप जो मैंने पूछा आपसे वो आपने अभी तक नहीं बताया। हाँ जी, पूछे दोबारा पूछे। मैंने यही कहा ना बाबर आजम, आप बता रहे हैं विराट कोहली फिनिशर है, बहुत अच्छा फिनिशर है, बाबर आजम ने कौन सा ऐसा मैच जो पाकिस्तान को हरवाया वो आखिर में जाके, वो तो ये इस पे यार वर्ल्ड कप हुआ है, किसने हरवाया वर्ल्ड कप? तो बाबर तो अपना अपने तौर पे पूरा परफॉर्मेंस करता है पर मैच नहीं जीतवा पाता वो, ये लोग नहीं अच्छे उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो चाहते नहीं है बाबर कप्तान रहे, सिर्फ उसको पीछे करने के लिए ग्रुप बंदी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इफ्तिखार फुल टॉस पे उससे शॉट नहीं लग रहा, बिल्कुल दो फुटे से आई है यार, तो इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? अगर देखे जैसे इंडिया के पास अगर अगर इंडिया के पास विराट है तो उनके पास रोहित शर्मा है जो फुल टॉस को स्टेडियम के बाहर मारने की सलाहियत रखता है, हमारे पास शायद विराट जैसा बाबर है पर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन कोई नहीं है यार। मैं आपको हारिस किधर गया? उसको हम खिलाते ही नहीं है यार, तो फिर इसमें बाबर का क्या कसूर है? बिल्कुल बहुत बड़ी बात है बाबर का, आप बता दे, आप बता दे बाबर का क्या कसूर है? हुण इफ्तिखार है, रिजवान, ये लोग इकट्ठे हैं, ये ग्रुप बना हुए हैं लोगों का, और बाबर अकेला बेचारा, वो अकेला है, उसको पीछे करने के लिए साइड ऑन, बस साइड पे खेले, बारी ले, बारी करे साइड पे हो जाए, ठीक है, हमें ना कहे फलाने ओवर कराए फलां फलां पे, वहां चला जा वहां चला जा, ये लोग नहीं अच्छा समझे, लोग नहीं अच्छा। फिनिशर कौन अच्छा है, बाबर या विराट? बाबर। नहीं नहीं, ये भाई ने पहाड़ा पढ़ लिया है, इसको बता दिया गया है, कह रहा बाबर भी ये मुतमिन है, हम तो है नहीं बिल्कुल इनका खुदा क्या, ये देखे जो मानते नहीं है कि भाई विराट बड़ा प्लेयर है, उनका क्या करना चाहिए? इनको डूब मरना चाहिए, विराट बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल इंडिया दूसरी दफा वर्ल्ड कप में फाइनल जीता है पाकिस्तान से, इनको डूब मरना चाहिए पाकिस्तान को, मैंने कहा लितर लगने चाहिए इन्होंने, बाकी सफाई तो होनी चाहिए इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखे स्पोर्ट्स मैन जो होता है ना उस पे अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। पाकिस्तान पे कब यार, पाकिस्तान पे कब अच्छे दिन है? 2020 वर्ल्ड कप में दूसरी दफा फाइनल हरा दिया यार, तो करने वाली बात है। पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप कितना अच्छा खेले, फाइनल हारे, पाकिस्तानी टीम ही थी वो यार, वो ही बंदे थे, वो चले गए भाई यार, वो चले गए, इनको बताएं वो चले गए, बाबर ने अकेले ने सारे पर्चियों वाले प्लेयर इंडिया को इंडिया से मैच जीता था जब कोई यार, तो आप वो क्यों भूले? तब ग्रुपिंग नहीं थे ना, तब इमरान खान की गवर्नमेंट थी।